वेलकम, मैं हूँ ज्योति। आप देख रहे टुडेज, जहाँ पे आपका होता है फिल्मी दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। संजय लीला बंसाली की बेजू बाबरा से हुई अजय देवगन की एंट्री। डायरेक्टर संजय लीला बंसाली के फिल्म सांवरिया से डेब्यू करने वाले रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण के साथ आखिरी बार डायरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्म तमाशा में नजर आए थे। फैंस रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के को बड़े पर्दे पर इनकी केमिस्ट्री को बहुत सारा प्यार दिया था, पसंद किया था। दोनों स्टार्स ने एक साथ कई सारी हिट फिल्मों में काम भी किया है। दोनों ने आखिरी बार डायरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्म तमाशा में काम कर चुके हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। लेकिन जो भी अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ताज़ा रिपोर्ट्स हैं, उसके अनुसार रणबीर कपूर और दीपिका को संजय लीला बंसाली ने अगली फिल्म बेजू बावरा के लिए अप्रोच किया है। ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो जहां संजय लीला बंसाली की रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण से बातचीत जारी है, हालांकि दोनों ने अभी तक फिल्म को साइन नहीं किया है। वहीं फैंस को सिल्वर स्क्रीन पर फिर से देखने के लिए बेकरार हैं फैंस। लेकिन असल दिक्कत उनके सामने अब इस फिल्म में तानसेन के किरदार करने के लिए हो रही है। सूत्रों के अनुसार, एक जानकारी के अनुसार दावा किया गया है कि संजय लीला बंसाली ने बेजू बावरा के रोल के लिए जहां रणबीर कपूर को फाइनल किया है, वहीं तानसेन के रोल में वो अजय देवगन से भी बात कर रहे हैं। एक तरफ अजय देवगन को तानाजी के लिए काफ़ी प्रशंसा मिली है और फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर यह है कि संजय लीला बंसाली की फिल्म बेजू बावरा में भी वह तानसेन का किरदार निभा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अजय देवगन का ये जो रोल है वो नेगेटिव होगा। बता दें कि संजय लीला बंसाली की अजय देवगन, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के साथ लॉकडाउन से पहले बातचीत हुई थी। वहीं रणबीर कपूर अगर संजय लीला बंसाली के साथ काम करते हैं तो ये दूसरा मौका होगा जब दोनों एक साथ काम करेंगे। बता दें कि रणबीर ने संजय की फिल्म सांवरिया से डेब्यू किया था। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं, लेकिन रणबीर कपूर की एक्टिंग से काफ़ी लोग जो हैं प्रभावित हुए, उनको तारीफें मिली। अब ये देखना होगा कि स्टार्स के कैलेंडर के हिसाब से चीज़ें कैसे आकार लेती हैं। अगर आप भी एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए और जानना चाहते हैं इसकी स्टार कास्ट, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टूडेज़ फॉर मोर न्यूज़।